नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो चलिए आज बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। फाइनली देखिए, यहां पर हमको जैसे हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे थे कि हमको 3 दिनों से, ये जो 2 दिन थे हमारे पास, मीन्स कहने का मतलब ये है, मैं आपको देखिए मैं डेट और लेवल्स में प्रॉपर तरीके से आपको समझा के यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, एक हमारे पास जो 8 जनवरी था और दूसरा जो है 11 जनवरी, मीन्स एक फ्राइडे और एक मंडे। इन 2 दिन में हमने जो है जो हाई देखा था वो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पर सेम देखा था। अब देखिए, हमने यहाँ पर जो चर्चा की थी, देखिए कल मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। एक्चुअली कल हमारा एक वेबिनार था जिसमें स्टूडेंट्स लोगों के लिए वो वेबिनार था, उसमें इंट्राडे की ट्रेडिंग के बारे में बताना था और ऑप्शन की ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है या सपोर्ट लेवल किस तरह से निकाले जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताना था। तो सो कल मैं वहाँ पर बिजी था, सो आप लोगों के लिए कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो चलिए आज हम बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कैंडल बनी है, एक जबरदस्त कैंडल बनी है, मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं एक पूरी हरी भरी कैंडल बनी है। और यहाँ पर जो विक की अगर हम बात करें तो ऊपर भी एक छोटी सी विक है और नीचे भी विक है। नीचे का विक का जो साइन है, ये तो समझ लीजिए एक अच्छा साइन है कि मतलब नीचे से बायर एक्टिव हुए हैं। बट ऊपर भी देखिए कोई खास मतलब सेलर यहाँ पर है नहीं, मीन्स कहने का मतलब ये अभी एक एंगल्फिंग कैंडल, इसको हम जो है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में इसको हम बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हाई लगा है वो 32,393 का लगा और जो लो लगा यहां पर वो 31,734 का लगा। तो मे भी देखिए हम यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर हम 600 650 के हमने 600 पॉइंट्स के आसपास जो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग की, ऊपर से नीचे नीचे की तो ऊपर तरफ मान लीजिए। अब देखिए मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर क्या हुआ, मॉर्निंग टाइम में देखिए गैप अप ओपन हुआ। देखिए कल मैं अगर आप लोगों के लिए वीडियो शूट करता तो मैं वहाँ पर आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला था, वो आप मिस कर गए और मैं भी मिस कर गया, आप लोगों को बता नहीं पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कल वहाँ पर। अब देखिए हमारी जो कल एनालिसिस थी, तो जो हमारी देखिए डेली क्लासेस चलती हैं, डेली क्लासेस में मैं जो है अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताता हूँ कि बैंक निफ्टी को कल किस तरह से ट्रेड करना है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल था। पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन को यहां पर डिलीट करता हूं और आपको मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊंगा। सो यहां पर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन थी और मैंने अपने स्टूडेंट लोगों को यहां पर बता दिया था कि यहाँ पर देखिए ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या फंडा था, हमने यहाँ पर क्लियर कट हमारा ये व्यू था कि अगर यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमको जो है अगला सपोर्ट जो मिलने वाला है वो 31,720 से 31,750 के आसपास मिलने वाला है। सो अगर इस लेवल पर हमको कोई कैंडल मिलती है और यहाँ पर कोई एंगल्फिंग मिल जाए या फिर कोई शूटिंग स्टार मिल जाए, मतलब कुछ भी, मतलब इस तरह सॉरी हैमर कोई कैंडल मिल जाए तो हम यहाँ पर ट्रेडिंग करने वाले हैं। सो हमने देखिए अपना ट्रेडिंग प्लान हमने कल ही बना लिया था कि हम अगर इस तरह से होगा तो हम इस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, मींस अगर गैप डाउन होगा तो इस तरह से ट्रेडिंग करनी है हमने, गैप अप ओपनिंग होगी तो, मतलब हमने अपने प्लान जो है कल अपने तैयार कर लिए थे। स्टूडेंट लोगों से जो है डेली क्लासेस जो चलती हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की, उसमें हमने चर्चा कर ली थी। तो यहां पर देखिए हमारे लिए आसान हो गया था। देखिए जब चीजें प्लान करके आते हैं तो आप लोगों के लिए चीजें आसान हो जाती है, आपको सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो फाइनली यहां पर देखिए जो आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग में देखिए अपने सपोर्ट के आसपास यहां पर बैंक निफ्टी खुला। तो देखिए यहां पर जो इसका लो था, इसका लो था देखिए 31,734 का, तो 31,720 से लेकर के 31,750 हमारे पास ये सपोर्ट लेवल था। और यहां से क्लियर कट जो है यहां पर कैंडल के हिसाब से हमको, टेक्निकल के हिसाब से या डाटा एनालिसिस के हिसाब से हमको यहां पर अपना ट्रेड बनाना था। तो फाइनली यहां से देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ। अब बाउंस बैक हुआ उसके बाद भी देखिए यहां पर मार्केट ने रेंज बनाई है। फाइनली देखिए ये रेंज ब्रेक हुआ, ठीक है, इस रेंज के बाद हमारा टारगेट अगला रेंज था जो यहां पर कल को रेंज बनी थी। और फाइनली देखिए इसके बाद दूसरा टारगेट हमारा यहां पर था, ये टारगेट हमने यहां पर बुक किया। और फाइनली जब यहां से बैंक निफ्टी निकली है तो अगेन देखिए ये जो हमारा फाइनल टारगेट था 32,300 के आसपास, तो 32,300 से भी ऊपर लेकर गई है। अब देखिए आज हमने जो है मतलब प्रॉफिट काफी अच्छे अच्छे बनाए, कई ट्रेड में तो 1:10 तक मिले, 1:12 तक मिले, 1:9 भी मिले, 1:8 भी मिले, 1:1 भी मिला, 1:5 भी मिला, मीन्स आज हमने कम से कम 9-10 ट्रेड किए और एक ट्रेड का जो है हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। वो भी क्या हिट हुआ, मतलब मैंने वहां पर निफ्टी में 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था और फाइनली जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं मैंने यहां पर ट्रेड हमसे गलत हो गया है, तो फाइनली वहां पर हमने अपना ट्रेड काट दिया 1 पॉइंट के लॉस में सिर्फ। मींस कहने का मतलब यह है कि आज हमने प्रॉफिट बहुत ही अच्छा बनाया है, 2021 का यह सबसे बड़ा हमने प्रॉफिट बनाया है। और मे बी मैं कल ट्रेड नहीं करने वाला हूं क्योंकि जिस दिन मैं सबसे बड़ा प्रॉफिट बनाता हूं, काफी बड़ा प्रॉफिट बनाता हूं, नेक्स्ट डे मैं ट्रेड नहीं करता हूं, नेक्स्ट डे मैं होल्ड करता हूं, ओनली मैं मार्केट को वॉच करता हूं। बट देखिए यहां पर अब जो चीजें हो रही थी,
कंटिन्यू मैं सारी चीज़ें आप लोग को टेलीग्राम में पोस्ट कर रहा था। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि किस तरह से आप लोगों को कल के ट्रेडिंग प्लान हमारा किस तरह से होना चाहिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ऊपर जाकर 15 मिनट का चार्ट हमने लगाया हुआ है। यहां पर देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टेलीग्राम चैनल में एक मैंने इस तरह से पोस्ट किया था कि यहां पर अब फ्लैग पैटर्न बन रहा है, पोल एंड फ्लैग पैटर्न इस तरह से फॉर्म हो रहा है। सो मतलब यहां पर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो हम यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। मैंने एक साइन भी लगाकर दिया था ऊपर की तरफ का आपको कि यहां से अगर ऊपर निकलता है तो हम यहां पर मे बी बाइंग कर सकते हैं। और फाइनली देखिए यहां पर 32,310 के ऊपर जब निकला है तो यहां पर देखिए 32,396 ऑलमोस्ट हमको 85-86 पॉइंट्स हमको यहां पर इस ब्रेकआउट के बाद मिले हैं। तो अब देखिए कल हमारा ट्रेडिंग प्लान किस तरह से होना चाहिए। फाइनली देखिए अभी ब्रेकआउट आ चुका है, 32,300 के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है और आज जो क्लोजिंग आई है 32,353 की आई है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास यहां पर दो सिनेरियो है। देखिए एक तो हमारे पास यहाँ फ्लैग पैटर्न बन रहा था और फ्लैग पैटर्न का फाइनली ब्रेकआउट हुआ। अगर हम इसको दूसरे पिक्चर से देखें तो चलिए मैं इसको पहले डिलीट करता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, एक यहाँ पर रेंज फॉर्म हो रही है और फाइनली देखिए अभी रेंज के बाहर हमने प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब ये कैंडल ने क्लोज तो दिया है, मतलब अभी प्रॉपर नहीं कह सकते। अब यहाँ पर कल हमको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, अगर कल को ये फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये 32,400 का लेवल क्रॉस करता है, ध्यान से लेवल सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, बहुत मोटे पैसे बनाकर जाएंगे आप। कल अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होती है और फ्लैट ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ से 32,400 के लेवल को क्रॉस करता है तो मे बी हम यहाँ पर कल 32,500, 32,650 और 32,750 का लेवल कल बहुत जल्दी देखेंगे। अब देख लीजिए हमको गैप अप ओपनिंग में क्या करना है और गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है। देखिए हम हमारे पास एक प्लान होना बहुत जरूरी है, जब तक हमारे पास प्लान नहीं होगा तब तक हमारा ट्रेड करना वहां पर इंट्राडे में मुश्किल हो जाता है। सो हम पूरी प्लानिंग के साथ आते हैं, हम अपनी पूरी तैयारी के साथ आते हैं, आपको भी अपनी पूरी तैयारी करनी चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अब यहां पर देखिए अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन में देखिए आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, एक तो प्राइस एक्शन का वेट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन मींस देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि प्राइस एक्शन को हम किस तरह से फॉलो करते हैं और प्राइस एक्शन में किस तरह से ट्रेड किया जाता है। तो देखिए उसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल मैं वीडियो भी लेकर आने वाला हूँ, वो भी लेके आऊंगा, मैं देख रहा हूँ वीकेंड पे। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से थोड़ा सा देखिए करेक्शन हुई और फाइनली इसने अगेन अपना जो है हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक किया मीन्स देखिए ये जो डे हाई लगा था यहाँ क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पर जो है बाइंग का ट्रेड लेंगे। तो हमारा पहला सिनेरियो इस तरह से होगा, हम पहले सिनेरियो में इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में देखिए क्या करना है, दूसरे सिनेरियो में आपको यहाँ पर एक 5 मिनट की कैंडल की वेट करनी है। 5 मिनट की कैंडल ऊपर गैप अप ओपनिंग में 5 मिनट की कैंडल बनती है तो उसका आपने हाई और लो मार्क कर लेना है। अब देखिए वहां पर कैंडल का साइज भी आपने देखना है कि उस कैंडल में मतलब विक कितनी है या फिर वो कितनी हरी कैंडल है या कितनी ग्रीन है कितनी रेड है उसको भी देखना है, एंगल्फिंग है शूटिंग स्टार है, उन चीजों को देख कर या डाटा एनालिसिस करके या टेक्निकल एनालिसिस करके आपने उसके हाई पर जो है ट्रेड ले सकते हैं और इसके लो का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब ये हो गए हमारे देखिए गैप अप ओपनिंग का मैंने आपको बता दिया और जो है फ्लैट ओपनिंग का बता दिया किस तरह से ट्रेड करना है। अब देखिए मे बी कल यहां पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, मैं कोई मान लीजिए मार्केट में न्यूज़ फ्लैश हो सकती, कुछ भी हो सकता है, गैप डाउन ओपनिंग में देखिए आपको या तो मार्केट मिल जाए यहाँ पर 32,200 के लेवल के आसपास मिल जाए या तो आपको मिल जाए नियर अबाउट 32,000 के आसपास। अब देखिए मैं इस ट्रेंड लाइन को पहले एक तो डिलीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर और दिखाऊंगा कि देखिए गैप डाउन ओपनिंग में आपको किस तरह से ट्रेड करना है। देखिए जब मैं चीज़ें आप लोगों को अच्छे से बता दूंगा समझा दूंगा तो वहां पर आपको सिर्फ जाकर ट्रेड डालना रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा। जैसे मैं ट्रेनिंग क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स लोगों को बता देता हूँ, उनको सिर्फ जाकर इंप्लीमेंट करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। तो देख लीजिए अब ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए नीचे से आ रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो गैप डाउन के बाद हमारे पास एक हमारे पास ये सपोर्ट हमारे पास लेवल है देखिए 32,050 के आसपास। तो अगर 32,050 के लेवल के आसपास मिलता है तो ये हमारे पास एक क्लियर कट जो है बाइंग जोन होगा। यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल सकता है। सो ध्यान रखिएगा ऊपर जब निकलेगा गैप अप ओपनिंग मैंने आपको बता दिया, गैप डाउन ओपनिंग बता दिया। अभी देखिए मोस्टली हमको जो है फोकस करना है बाइंग की तरफ रेदर देन सेलिंग, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रही है और कहां तक जा सकती है ये कोई नहीं बता सकता। सो अभी बाइंग के लिए फोकस करिए, बाइंग का ट्रेड डालकर आप जो है कुछ हायर हाई हायर लो देख सकते हैं, बट अगर सेल का ट्रेड डाल रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए मत जाइएगा, वहां पर छोटा प्रॉफिट बुक करिए 1:1 या 1:2 का ट्रेड के लिए बुक करिएगा। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो फाइनली यहां पर देखिए आज जो बैंक निफ्टी में जो कौन से ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में मदद की है तो मैं आप लोगों को बताता हूं, वो एक स्टॉक था देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखिए आज जो है 10% से ज्यादा की मूव दी है। दूसरा था HDFC बैंक,
एचडीएफसी बैंक की बात था, हमारा एसबीआई, तो इन तीन स्टॉक्स ने जो है आज एक अच्छी मूव की। इसी के लिए आज जो है बैंक निफ्टी देखिए गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी ऊपर की तरफ निकला। अब फाइनली यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक में हमने मैंने यहाँ पर बताया था कि 680 की क्लोजिंग के ऊपर हमने यहाँ पर जो है बाइंग करनी है। अब फाइनली देखिए यहाँ पर 680 के ऊपर गया बट सस्टेन नहीं हो पाया। अब कल को देखिए इंट्राडे में किस तरह से आपको करना है, 685 रुपये के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आप 690 और 695 रुपये के टारगेट के लिए आप यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बंधन बैंक। तो बंधन बैंक देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि सॉरी कल तो मैं आप लोगों को वीडियो नहीं बना पाया था, उस स्टूडेंट्स लोगों को बताया था मैंने, चलिए कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर बताया था कि ये जो कैंडल रेड कलर की कैंडल बनी है इसके नीचे हमने क्लियर कट सेल ट्रेड डालना है। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन बनी है मे बी यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर अब हमको देखिए बंधन बैंक 2 दिन 3 दिन 1 दिन यहाँ पर कुछ सस्टेन करने के बाद अगर इसको ऊपर जाना है तब यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 2 दिन 3 दिन यहाँ पर कोई रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे या नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे, अब वो जिस तरफ निकलेगा उस तरफ हो लेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरे सिनेरियो में देखिए अगर कल ये 300 387 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर 380 का लेवल भी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए वैसे मैं ट्रेड में मैं इस बैंक में मैं ट्रेड नहीं करता हूं बट आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर एक ब्रेकआउट हुआ है, सो आप लोगों के लिए मैंने सोचा चलिए ये भी आप लोगों के साथ मैं एनालिसिस शेयर कर लेता हूं। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं इस ट्रेंड लाइन को मैं परफेक्ट कर लूं। देखिए जो हमारी ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की होती है, जो सपोर्ट ड्रॉ की होते हैं, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ की होते हैं, उसको कंटिन्यू जैसे जैसे मूव होती जाती है वैसे वैसे हमको उसको ट्रेल करना होता है, उसको हमने मतलब सही से लगाना होता है। तो अब यहाँ पर देखिए अब बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लियर कट यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब ब्रेकआउट में आपको क्या करना है, आपने ऐसा नहीं है कि मतलब क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी बनी है, अब अगर आप कहें कि हम इसके ऊपर जो है ट्रेडिंग करेंगे मतलब 72 रुपये के ऊपर जाएंगे जो इसका हाई लगा है तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर मे भी आपको थोड़ा सा वेट करना है, यहाँ पर एक बार रीटेस्ट करने के लिए आए, ऐसा हो सकता है कल की डेट में यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है और कहीं आपको 68 के लेवल के आसपास मिले तो यहाँ पर एक बेस्ट बाइंग होगी क्योंकि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जिस स्टॉक को हम 3 महीने से कंटिन्यू ट्रेल कर रहे थे, जिसको हम 3 महीने से कंटिन्यू अपने फोकस पे हम अपने रडार पर रखे हुए थे, वो था HDFC बैंक का स्टॉक। और फाइनली देखिए सभी बैंक चल गए, इंडस चल गया, ICICI बैंक चल गया, कोटेक चल गया, सारे के सारे बैंक चल गए, इवन यहाँ तक SBI भी बहुत अच्छा चला, बट यहाँ पर HDFC बैंक नहीं चल रहा था। HDFC बैंक ने जो होल्ड किया हुआ था वो नवंबर से देखिए एक रेंज बनाई हुई थी और फाइनली यहाँ पर हम इस रेंज की हम डेली बात करते थे और फाइनली यहाँ पर देखिए रेंज ब्रेकआउट हो चुका है। मैंने देखिए यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताया था 1445 के ऊपर मैंने कल बताया था, देखिए वैसे हमारा यहाँ पर बाइंग करने का तो 1450 का था बट यहाँ पर जो कैंडल यहाँ पर ये बनी थी, बाकी इसका हमने डाटा एनालिसिस किया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 1445 के ऊपर की बाइंग मैंने बता दी थी। और फाइनली देखिए यहाँ पर जो आज यहाँ पर जो हाई लगा हुआ है वो 1487 रुपये का लगा हुआ है तो, और यहाँ पर जो लो लगा हुआ है लो भी देखेंगे 1449 के आसपास का लगा हुआ है। सो फाइनली देखिए 1445 के आसपास नहीं मिला, सो देखिए क्योंकि मैं बैंकिंग में ट्रेड नहीं करता हूँ, स्टॉक्स में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे में। ये इसको अगर अब मैंने लेना होगा, अब मैं शाम को इसकी एनालिसिस करूंगा, इसका डाटा चेक करूंगा, इसका सब कुछ चेक करके इसका प्रॉपर मैं उसके बाद कल मैं यहाँ पर अपनी एंट्री पॉइंट निकालूंगा और कल मैं जाकर पोजिशनल के लिए HDFC बैंक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूंगा। सो मैंने आज अभी इसको ऐड नहीं किया है, इसको मैं कल ऐड करने जा रहा हूं। मैं जहां पर ऐड करूंगा आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि बता दूं, अगर मुझे रिमेंबर हुआ ध्यान हुआ तो आपको बता दूंगा, अदरवाइज मिस भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक के लिए देखिए मैंने बताया था जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब यही सपोर्ट है हमारे लिए। अब मे भी यहाँ से सपोर्ट लेकर देखिए एक डोजी कैंडल बनी, डोजी कैंडल के बाद फाइनली ग्रीन कैंडल अब यहाँ पर बनी है। अब यहाँ पर देखिए बाइंग करनी है 550 रुपये के ऊपर बाइंग के लिए जा सकते हैं इंट्राडे में, 555 560 और 565 रुपये अपना टारगेट रहने वाला है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड। इंडसइंड बैंक देखिए अब जब तक ये जो हाई लगा हुआ है 977 का, तो जब तक 978 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक अभी हमको यहाँ पर बाइंग के लिए देखना है। यहाँ पर मे भी अगर यहाँ पर 908 का कल लेवल ब्रेक होगा तो हम यहाँ पर 900 का लेवल देखेंगे, 900 और 890 और 883 का लेवल कल यहाँ पर देख सकते हैं हम। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटेक बैंक। तो कोटेक बैंक देखिए यहाँ पर क्लियर कट मैंने आपको परसों भी ये बताया था कि अगर इस डोजी के नीचे निकलता है, जो डोजी का लो था वो 9046 का था, मैंने बताया था 9045 के नीचे निकलता है तो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर भी कल मैंने अपने स्टूडेंट्स लोगों को बताया कि अगर ये 9035 के नीचे निकलता है तो फाइनली यहाँ पर जो टारगेट है हमारा 1900 के आसपास होना चाहिए,
और फाइनली यहाँ पर देखिए 1900 1895 का यहाँ पर टारगेट हमको, यहाँ पर जिसने भी इंट्राडे में ट्रेड, हमारे स्टूडेंट्स वगैरह जिसने भी किया होगा उनको आराम से इसमें ट्रेड में जो है टारगेट अचीव हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर चीज़ ध्यान से देखिए, अब हमारे पास एक मे बी यहाँ पर सपोर्ट है। देखिए हम इसको सपोर्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर यहाँ पर बाउंस बैक हुआ है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर सपोर्ट कह रहे हैं। सो अभी अब पिछले सपोर्ट के आसपास है, पिछले लो के आसपास है, अब जब तक ये 1885 के नीचे क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक अभी हम यहाँ पर नीचे नहीं जाएंगे। 1885 के नीचे क्लोज करेगा तो इंट्राडे में हम यहाँ पर सेलिंग के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज मे बी यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा आरबीएल बैंक, तो आरबीएल बैंक में फिलहाल अभी मेरा कोई व्यू नहीं है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली देखिए यहाँ पर जो है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जो बनाया है, समझ लीजिए पूरा एंगल्फ कर लिया है पिछले जो है 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी पीछे एक हफ्ते की मूव को यहाँ पर जो है आज की कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया है। सो इसको जो भी आज की कैंडल प्रीवियस जितनी कैंडलें होती हैं उसको एंगल्फ कर ले तो हम उसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अगर यही सिनेरियो सेम ऑपोजिट हो तो उसको हम बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। चलिए वो चीज़ें भी जो है टेक्निकल एनालिसिस में जो आगे की वीडियो आने वाली है उसमें सारी चीज़ें मैं कवर करूंगा। अब यहां पर देखिए क्या करना है, अगर देखिए मैं यहां पर वीकली चार्ट लगाऊं तो वीकली चार्ट में अब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहां पर देखिए यहां पर सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ था, सो यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये जो लेवल है मैं आपको बता देता हूं, कहीं ऐसा ना कल आप जाकर यहां पर ट्रेडिंग में घुस जाए। तो अब जब तक ये 300 का लेवल क्रॉस नहीं करता, 300 का लेवल क्रॉस करे, 300 के लेवल क्रॉस करने के बाद वहां पर एक जाकर क्लोजिंग भी देनी चाहिए। और यहां से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करूं तो ये ट्रेंड लाइन फाइनली इधर ब्रेकआउट यहीं पर हुआ था जहां पर ये रेड कलर की मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब आ जाते हैं हम डेली के चार्ट में और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसको पहले हम ट्रेंड लाइन को प्रॉपर कर लेते हैं, अभी ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर प्रॉपर कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ट्रेंड लाइन कहीं इस लाइन के आसपास आ रहा था, सो यहाँ जब रेड कलर की ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की इसका ब्रेकआउट हुआ, अगला हमारा जो सब टारगेट था 275 का, 275 के बाद यहाँ पर अब जो हाई लगा है ये लगा है 290, सॉरी कितने का लगा है ये 294 के आसपास। तो मे भी यहाँ पर देखिए कल मार्केट 6 रुपये और जा सकती है, मतलब 300 के आसपास इसको एक हर्डल मिलने वाला है, 300 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा 300 के आसपास अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप बहुत गलत एंट्री ले रहे हैं मे भी, क्योंकि वहाँ से करेक्शन हो सकती है। यहाँ 294 का लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर 299 के लिए आप जा सकते हैं, 299 299.5 के आसपास जाकर आप अपना टारगेट बुक कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए मैं आप लोगों को चीज़ें देखिए मैं कंटिन्यू टेलीग्राम चैनल में मैं आपको बताते रहता हूँ। देखिए कई मैं ऐसे भी ट्रेड देता हूँ जिसमें आप बहुत अच्छे पैसे बनाते होंगे, ठीक है ना। देखिए मैं आपसे कोई आपके पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं आप लोगों से कुछ वो नहीं मांग रहा हूँ, मैं बस इतना सा मांगता हूँ कि मतलब सिर्फ जो है आप जो है इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। टेलीग्राम चैनल में मैं जैसे मैं इंट्राडे के चार्ट पोस्ट करता हूँ वो सारी चीज़ें पोस्ट करते रहूँगा। देखिए टेलीग्राम चैनल में सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैंने किस लेवल पर बाइंग की, मैंने किस लेवल पर सेल किया, अभी कौन सा चार्ट बन रहा है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ बैंक निफ्टी का रजिस्टेंस है, या निफ्टी का कहाँ पर है, या बैंक निफ्टी का कहाँ पर है, रजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, ट्रेंड लाइन कहाँ ब्रेक हो रही है, कहाँ पे ये हर्डल ले सकता है, सारी चीज़ें A to Z में विद चार्ट आप लोगों के साथ में वहाँ पर शेयर करता हूँ। तो चलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद जय माता दी।